तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज प्रिंस एंड यू आर वाचिंग अ न्यू रिपोर्ट ऑन रेसल रिपोर्टर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल रंबल में होने वाले हैंडीकैप मैच के बारे में। जब रॉयल रंबल के लिए WWE चैंपियनशिप के लिए हैंडीकैप मैच की अनाउंसमेंट की गई उसके बाद मैंने देखा कि आप में से बहुत से लोग इस मैच को लेकर कंफ्यूज नजर आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस मैच को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट स्मैकडाउन लाइव में देखा होगा कि डेनियल ब्रायन ने WWE चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल वर्सेस सेमी जेन एंड केविन ओवेंस का एक हैंडीकैप मैच बुक कर दिया रॉयल रंबल के लिए। उसके बाद आप में से बहुत से लोग इस मैच के रूल्स को लेकर कंफ्यूज दिखाई दिए। तो वहीं बहुत से लोगों का ये पूछना था कि इस मैच का रिजल्ट कैसे निकलेगा और इस मैच का विनर कौन होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस मैच के रूल्स को लेकर आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स ये मैच बिल्कुल एक टैग टीम मैच की तरह होगा जहां सेमी जेन और केविन ओवेंस पार्टनर होंगे, बट इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे एजे स्टाइल्स का कोई भी पार्टनर नहीं रहेगा। दोनों रेसलर्स में से जिस रेसलर को टैग मिलता है वो ये मैच लड़ेगा जैसा कि नॉर्मल टैग टीम मैचेस में होता है, बट एजे स्टाइल्स को हमेशा ही ये मैच लड़ना पड़ेगा चाहे रिंग में केविन ओवेंस हो या फिर रिंग में सेमी जेन हो। और जहां तक बात रही कि इस मैच का विनर कैसे निकलेगा तो मैं आपको बता दूं कि जो भी रेसलर एजे स्टाइल्स को पिन करेगा वो ये मैच जीत जाएगा। सपोज कीजिए कि सेमी जेन को केविन ओवेंस ने टैग किया और सेमी जेन ने एजे स्टाइल को पिन किया तो सेमी जेन ये मैच जीत जाएंगे, और अगर केविन ओवेंस को टैग मिला और केविन ओवेंस ने एजे स्टाइल को पिन किया तो वो ये मैच जीत जाएंगे। आफ्टर ऑल जो भी रेसलर अपने अपोनेंट को पिन करता है वो ये मैच जीत जाएगा, बट सेमी जेन और केविन ओवेंस को अपने अपोनेंट को पिन करने के लिए मैच के लिए लीगल होना पड़ेगा। यानी कि सेमी जेन और केविन ओवेंस में से वही रेसलर एजे स्टाइल को पिन कर सकता है जो इस मैच के लिए लीगल रहेगा, यानी कि जिसको लास्ट में टैग मिला हो। अगर सेमी जेन या फिर केविन ओवेंस में से किसी को टैग ना मिला हो तो वो रेसलर एजे स्टाइल को पिन नहीं कर सकता है, और एजे स्टाइल्स को भी उसी रेसलर को पिन करना पड़ेगा जिसे लास्ट में टैग मिला हो। अगर एजे स्टाइल उस रेसलर को पिन करते हैं जो मैच के लिए लीगल हो तो वो अपनी चैंपियनशिप बचा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जहां मैंने रॉयल रंबल में होने वाले हैंडीकैप मैच के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की। अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही न्यूज और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।